नमस्कार। दिनभर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम विश्लेषण की शुरुआत कर्नाटक में चल रहे उस राजनीतिक सस्पेंस से करेंगे, जिस सस्पेंस में सवाल यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की उस गठबंधन सरकार का क्या होगा, जिस गठबंधन सरकार को 7 महीने पहले ही बहुत जोर शोर से बनाया गया था और जिसके मंच से पिछले साल मई में ही 2019 में नरेंद्र मोदी को हटाने की चुनौती दे दी गई थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले हालत यह है कि खुद गठबंधन सरकार टिकेगी कि नहीं टिकेगी, कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सब पूछ रहे हैं। क्योंकि आज अचानक कर्नाटक की गठबंधन सरकार से 2 निर्दलीय बाहर हो गए हैं, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। ये तब हुआ है जब कर्नाटक में 3 से 5 कांग्रेस के विधायक गायब बताए जा रहे थे और इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये मुंबई के एक होटल में है। उधर कर्नाटक बीजेपी के अधिकतर विधायक गुरुग्राम के एक होटल में रुके हुए हैं। वहां से कर्नाटक बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा ये कह रहे हैं कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के खेमे में खलबली के बीच भी उनका दावा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कांग्रेस और जेडीएस आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वो ऑपरेशन कमल चला रही है जिसके जरिए जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की कोशिश पहले भी की जाती रही है। 2008 में ही यही हालात थे, तब भी बीजेपी ने यही किया था। अब फिर ऑपरेशन कमल 2.0 चल रहा है। इसी के तहत 2 निर्दलीय विधायक एच नागेश और आर शंकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस और कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस लिया। हम आपको सबसे पहले कर्नाटक में सरकार बनाने और गिराने का गणित बता देते हैं। कर्नाटक में विधानसभा की 225 सीटें हैं जिसमें एक सीट नॉमिनेटेड होती है। सरकार बनाने या बचाए रखने के लिए कम से कम 113 विधायक चाहिए। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति के अनुसार कांग्रेस के पास 80 विधायक हैं जिनमें एक स्पीकर भी है। जेडीएस के पास 37 विधायक हैं, एक बीएसपी का विधायक है, 2 निर्दलीय विधायक हैं। ये कुल मिलाकर 120 का नंबर होता है, जो बहुमत के जरूरी आंकड़े 113 से 7 ज्यादा है। यानी कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरने के लिए कम से कम 8 विधायक इधर उधर होने चाहिए। बीजेपी के पास 104 विधायक हैं, उसे सरकार बनाने के लिए कम से कम 9 विधायक और चाहिए। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें कर्नाटक सरकार डेंजर जोन में आती दिख रही है, क्योंकि 113 से कम नंबर हुए तो सरकार गिर जाएगी और स्थितियां ऐसी बन रही हैं जिनके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस जेडीएस सरकार के लिए 113 का नंबर बनाए रखना मुश्किल है। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और उनके साथी कांग्रेस का दावा यही है कि उनके पास अब भी 120 विधायकों का समर्थन है, लेकिन यह गणित बदल चुका है क्योंकि 2 निर्दलीय विधायकों ने आज कांग्रेस जेडीएस सरकार से हाथ खींच लिए। इन 2 विधायकों के जाने के बाद कांग्रेस और जेडीएस के पास 118 विधायक ही बचे हैं। इससे आगे मुश्किल यह है कि कांग्रेस के कम से कम 3 से 5 विधायक गायब हैं। ये नंबर और बड़ा होने का दावा किया जा रहा है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये विधायक इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। क्योंकि अगर 3 से 5 विधायकों के ही पाला बदलने के दावे को मान लिया जाए तो कांग्रेस जेडीएस सरकार के पास 113 का नंबर ही बचा रह जाएगा, जो सरकार के लिए खतरनाक स्थिति है, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सरकार पर खतरा आ सकता है। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं है। अगर कर्नाटक में बीजेपी ने जोर लगाया है तो कांग्रेस जेडीएस की तरफ से भी जोर लगाने में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस और जेडीएस भला क्यों चाहेंगे कि उनकी सरकार गिर जाए, और वो भी तब जब 2019 का चुनाव ज्यादा से ज्यादा 2 महीने दूर है। अगर नंबर को देखें तो बीजेपी के लिए ऑपरेशन कमल मिशन इम्पॉसिबल की तरह, क्योंकि कांग्रेस या जेडीएस छोड़ने वाले विधायक सीधा बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। दल बदल कानून से उनकी सदस्यता चली जाएगी। बीजेपी को कांग्रेस या जेडीएस के कम से कम 13 विधायक ऐसे चाहिए जो सदन से इस्तीफा दे दें ताकि बहुमत का जरूरी नंबर कम हो सके। 13 विधायक जाने पर बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 106 रह जाएगा। बीजेपी के पास 104 विधायक हैं, 2 निर्दलीय विधायकों से आंकड़ा बनता है। लेकिन बीजेपी तो इतनी कॉन्फिडेंट है कि येदियुरप्पा जल्द ही अच्छी खबर देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री तो ये कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में ही कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्नाटक कांग्रेस के कई गायब विधायक मुंबई के एक होटल में देखे गए। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री राम शिंदे ने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं। मेरा ऐसा दावा है कि आप ये असेंबली के चुनाव के टाइम में जो हुआ अभी वो समझ ले कि क्या हुआ था। मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला था,
दो नंबर का मैंडेट कांग्रेस को मिला था और तीन नंबर का मैंडेट हाँ कुमारस्वामी के पार्टी को मिला था, लेकिन तीन नंबर पार्टी को कांग्रेस के सपोर्ट के बाद वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन उनके अंदर कितने बार रोए, कितना उनको अनकन्वीनियंट हुआ और वो काम नहीं कर पाए, इसके कारण उनके एमएलएज में, कांग्रेस के एमएलएज में ऐसा लगा कि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, और खुद ही चीफ मिनिस्टर ने बाहर आके कहा कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, तो इसका मतलब है इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और जिस दिन से अभी ये माहौल बन चुका है, जिस दिन से ऐसे ये न्यूज़ फैला रही है, तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पे आने वाले दो चार दिनों में उधर का कुमारस्वामी का गवर्नमेंट चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट आएगा। काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं आप मंत्री महोदय, किस क्या आपके कॉन्फिडेंस का ये राज है, क्यों आपको लगता है कि दो चार दिनों में ही सरकार वहाँ की गिर जाएगी? मेरा राज यही है कि जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट जल्दबाजी में किया है, लेकिन उन्होंने विश्वास लिया नहीं सबका, और अभी ऐसा उनको लग रहा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और देश के प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं, इतना ही सारा अच्छी काम कर रहे हैं, विश्व के अंदर उनकी प्रतिमा बन चुकी है, तो कर्नाटक का सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही डेवलपमेंट कर सकती है, इसके कारण उन्होंने उनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने हमें सपोर्ट करना उनका मन बन चुका है, और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे उनको फैसला करने के अभी तौर पे आए हैं, फैसला जरूर करेंगे। अब बीजेपी का प्लान कामयाब हो ना हो, लेकिन इस घटनाक्रम से पीएम मोदी के लिए अपनी उस बात पर जोर देने वाला बड़ा मौका विपक्ष की तरफ से मिला है, जिसमें वो मजबूत और मजबूर सरकार की बात कहते रहे हैं और इसको लेकर ही गठबंधन पर निशाना साधते रहे। वैसे कर्नाटक में पिछले 7 महीने में कांग्रेस और जेडीएस के बीच जो टकराव चल रहा था, उससे सवाल भी खड़े होते थे कि ये सरकार कितने दिन तक चलेगी। पिछले साल मई में सरकार बनाने के तुरंत बाद सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि वो कांग्रेस की कृपा पर हैं और कांग्रेस की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकते। अभी 10 जनवरी को अपनी पार्टी के विधायकों की मीटिंग में कुमारस्वामी ने कथित तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाए कि वो सरकार में जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुमारस्वामी ने भावुक होकर यहां तक कह दिया कि उन्हें लगता है जैसे वो सीएम न हो बल्कि कोई क्लर्क हो। क्लर्क वाली इस बात को पीएम मोदी ने भी पकड़ लिया, हालांकि बाद में कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के मुद्दे पर भी अभी 24 घंटे पहले कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी के साथ थर्ड क्लास नागरिकों की तरह बर्ताव न किया जाए। जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि जैसे मंत्री पद और निगमों में 2-1 के फॉर्मूले से पद बांटे गए, वैसे ही कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करना चाहिए। अब ऐसे टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बड़ा मौका जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि जब हर कोई 2019 के चुनावी मोड में आ चुका है और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाले गठबंधन पॉलिटिक्स की ही बातें हो रही हैं, तो फिर वो इसे मजबूत और मजबूर सरकार के अपने नैरेटिव से क्यों नहीं जोड़ेंगे? उन्होंने ये बताना पहले से ही शुरू कर दिया था। कर्नाटक में जहां गठबंधन की पहली सरकार बनी है, वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे परेशान हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के बजाय एक क्लर्क मात्र बना करके रख दिया गया है। ये अभी 3 दिन पहले ही पीएम मोदी ने कहा था। मकसद था अपने उस बात पर जोर देना जिसमें ये बताना था कि देश को मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर। इसी में कर्नाटक का जिक्र किया था, जहां पिछले साल मई में चुनाव के बाद जेडीएस और कांग्रेस एक हो गए थे और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के बावजूद सत्ता से आउट हो गई। इसी में महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इसी शक्ति प्रदर्शन के 10 महीने बाद ऐसी हालत है कि कहीं सरकार न गिर जाए। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस का दावा है कि ऐसा नहीं होगा। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पहले दिन से इस कोशिश में है कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद के करके इस सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने के लिए वो पूरी कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। जेडीएस और कांग्रेस दोनों मिलाकर के जो है इतना बहुमत है कि सरकार स्टेबल है, और ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो है दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व जो है
वो जो है बहुत उसके अंदर समन्वय है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरकार ये कार्यकाल पूरा कर, बिल्कुल 5 साल पूरा करेगी सरकार। भले ही दो निर्दलीय कर्नाटक सरकार से आउट हो गए, भले ही कांग्रेस के कुछ नाराज विधायक गायब हैं, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस लगातार कह रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी का वो ऑपरेशन कमल कामयाब नहीं होगा। जिस ऑपरेशन कमल के जरिए येदियुरप्पा ने 2008 में दक्षिण भारत में बीजेपी की पहली सरकार बनाई थी, तब 6 निर्दलियों के साथ कांग्रेस के 3 और जेडीएस के 4 विधायक खींच लिए थे। भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से टारगेट करना और हमारे एमएलडीएस को अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए हर तरह के प्रलोभ उनको देना, यह जो कांग्रेस की और जेडीएस की जो राजनीतिक संस्कृति को दिखाती है। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द जनता को इस प्रकार की क्राइसिस खत्म होगा और जो जनता की हितों की रक्षा करने वाली सरकार कर्नाटक में बनेगी, हम ऐसा आशा करते हैं। बीजेपी तो पहले से दावा कर रही थी कि कांग्रेस और जेडीएस की सरकार संक्रांति तक नहीं चलेगी और संक्रांति के दिन ही अचानक हलचल तेज हो गई जब 2 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस जेडीएस सरकार से हाथ खींच लिए। उधर कर्नाटक के बीजेपी के विधायक गुरुग्राम के होटल में जुट गए तो कुछ कांग्रेस विधायक कर्नाटक से गायब होकर मुंबई के एक होटल में बताए गए। इसने कर्नाटक सरकार की टेंशन तो बढ़ा ही दी। What will going to happen? If 2 MLAs, independent MLAs, withdraw the support, what will be the numbers? I am totally relaxed. I know what is my strength. Leave it to me. I don't want to go for any counter strategy. I know my strength, my government is stable, don't worry, what are all the episodes? The independents can go anywhere, it's not an issue. They can take a decision tomorrow otherwise also. They are independents. Tomorrow they can say, today they can say this, tomorrow they can say something else. They're not from the party. So that is not such a huge concern for us. But what I'm trying to say here is for BJP, to be trying to destabilize governments like this shows the kind of politics they can stoop to, and this is what the country needs to see, and this is what has to be exposed. Sir. But the government is safe, government is will not be destabilized, the government will last, and there is no problem. अब भले ही बीजेपी कर्नाटक में अपने प्लान में कामयाब न हो, लेकिन कर्नाटक हो या फिर ऐसे दूसरे राज्यों की राजनीतिक उठापटक, इसके बहाने पीएम मोदी अपने मजबूत और मजबूर सरकार के नारे को पहले से ही गठबंधन सरकार की खींचतान से जोड़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के साथ राजस्थान और एमपी का भी जिक्र किया था। राजस्थान मध्य प्रदेश में अब दो टूक इस बारे में बात हो रही है कि सरकार चलानी है तो पहले ये केस वापिस लो, डिगना केस वापिस लो, फलाना काम करो, तब सरकार चला पाओगे। चालू हो गया है, अभी तो ये ट्रेलर है। राजनीति पर की जाती है भाइयों बहनों, राजनीति विचार पर की जाती है, राजनीति गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। अब विपक्ष के सामने ये चुनौती होगी कि गठबंधन की खींचतान वो इस वक्त बाहर ना आने दें और कम से कम कर्नाटक जैसा कोई तमाशा न बने जिससे मोदी पॉलिटिक्स को 2019 के इन स्लॉग ओवर में ढीली गेंद मिल जाए और वो सिक्सर लगाने लगे, क्योंकि यूपी जैसे गठबंधनों के बाद उनकी कोशिश यही है कि ऐसे गठबंधन को मजबूर और मजबूत सरकार से बहस से जोड़ा जाए और ये बताया जाए कि ऐसे गठबंधन की सरकारों का हाल क्या होता है। मुंबई में कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। यहां आपको हम उस ऑपरेशन कमल के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर ये क्या है और क्यों कर्नाटक की राजनीति में इसकी बात बार बार की जाती रही है और इस बार भी इसी की चर्चा है। ये ऑपरेशन कमल 11 साल पहले की बात है जब 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी।
उसे बहुमत के लिए 3 विधायक चाहिए थे। इस नंबर की जुगाड़ के लिए जो कोशिश हुई उसे ऑपरेशन कमल कहा गया। 6 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से येदियुरप्पा ने दक्षिण भारत में बीजेपी की पहली सरकार बनाई थी। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस के 3 और जेडीएस के 4 विधायकों को खींचा और उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। ये 7 विधायकों को बाद में बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़वाया, जिनमें से 5 चुनाव जीत गए थे। इससे येदियुरप्पा सरकार के बहुमत का आंकड़ा 115 हो गया था और सरकार पर किसी तरह का खतरा हट चुका था। 2008 में जिस तरह से बीजेपी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 सीट पीछे थी, उसी तरह से इस बार भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई है। खबरदार में राजनीति के ही विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नरेंद्र मोदी के सामने पीएम पद के नए दावेदार की। राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी के सामने 2019 के भी चैलेंजर हैं, लेकिन यूपी में गठबंधन के बाद बीएसपी भी मायावती की दावेदारी के साथ सामने आ गई है। आज मायावती के जन्मदिन पर बीएसपी के आधिकारिक प्रवक्ता ने मायावती को भावी पीएम बताने वाला पोस्टर जारी कर दिया। ये तब हुआ है जब अखिलेश यादव ने 3 दिन पहले मायावती को पीएम दावेदार बताने वाले सवाल को गोलमोल किया था, लेकिन संकेतों से लग रहा था कि उन्हें मायावती की दावेदारी से कोई हिचक नहीं है। आज मायावती ने भी खुद एक बड़ी बात कही है, इससे इसके क्या मायने हैं ये समझना भी जरूरी है। कल एक इंटरव्यू में आपने मायावती जी की बहुत तारीफ की थी और आज भी आपने कहा कि आपसे ज्यादा अनुभवी है, 4 बार की मुख्यमंत्री हो चुकी है। क्या उस कोई स्थिति बनेगी कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? पीएम वाले सवाल पर 3 दिन पहले मायावती की मुस्कुराहट बता रही थी कि उनका मन गदगद हो गया। अब तो उनकी पार्टी ने 63वें बर्थडे पर मायावती को भावी पीएम बताकर पक्की दावेदारी भी कर दी है। बीएसपी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने ये पोस्टर ट्विटर पर डाला। मायावती ने भी अपने जन्मदिन पर संकेतों में आज शायद यही कहने की कोशिश की है। हमारी पार्टी ने अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यह फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यूपी से तो पीएम मोदी भी चुनाव लड़ते हैं, राहुल गांधी भी चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश यादव और मायावती भी यूपी के ही नेता तो हैं, लेकिन अखिलेश ने जो बात की, मायावती ने जो बात की और अब मायावती की पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने जो भावी पीएम का पोस्टर बनाकर दावेदारी ठोक दी, वो बताता है कि मायावती अपने लिए एक बड़ा मौका देख रही हैं। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले सिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यह सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को लाए, तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। मायावती के जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने उन्हें मिलकर बधाई दी। लगे हाथ सीटों और कैंडिडेट्स पर भी बातचीत हो गई। अब तो दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार वाले सामान भी एक साथ बिकने लगे। पार्टियां यूपी में इस गठबंधन के पक्के होते ही अपने लिए माहौल बनाने में बिना देर लगाए जुट गई हैं। लेकिन इसके साथ ही चर्चा पीएम पद की दावेदारी की भी तेज हो गई है, खासतौर पर जब से अखिलेश ने संकेत दिए और इन संकेतों के बाद मायावती की पार्टी बीएसपी ने पोस्टर भी बनाने शुरू कर दिए। जबकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पूछ रहे थे कि अखिलेश ने किसे पीएम बनाने की बात कही है। ये पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से कि प्रधानमंत्री के रूप में पिछली बार वो मुलायम सिंह जी को स्थापित कर रहे थे, इस बार कौन है, मुलायम सिंह जी हैं या मायावती जी हैं, इसके बारे में उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। वे समाजवादी पार्टी के लोगों के सामने क्या ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी अलग अलग पार्टी क्यों रख रहे हैं? जब आप साथ चलना चाहते हैं तो दोनों पार्टियों को मर्ज कर दीजिए। वैसे नाम बसपा है तो बसपा का प्रतीक हो जाएगा, सपा हो जाएगा, दोनों एक ही पार्टी बन जाए ना।
अलग अलग क्यों रह रहे हैं? एक होइए, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इनका कौन है? मुलायम सिंह जी हैं या मायावती जी हैं? ये मुझे लगता दोनों को स्पष्ट कर दें तो अच्छा होगा। चुनाव के पहले नेता भी स्पष्ट होने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी कहें, पहले गठबंधन पक्का होने और फिर पीएम पद के लिए मायावती की दावेदारी बताने से गठबंधन के अंदर जरूर जोश भरा होगा, खास तौर पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जो 25 साल से जमीनी स्तर पर राजनीतिक दुश्मन रहे हैं। लेकिन नेताओं के हाथ मिलाने के बाद अब उन्हें ये सब भूलना होगा जो संदेश आज मायावती ने दिया है और जिस बात को लेकर बीजेपी हमले कर रही है। बड़ा कशमकश का गठबंधन है, कर तो लिया लेकिन गले की हड्डी हो गया दोनों की, और ये गठबंधन अपने आप में निजी स्वार्थ का तो है ही है, और निजी स्वार्थ के साथ साथ अस्तित्व बचाना, अब उनको अपने लीडर बचाना पड़ रहे हैं। बीजेपी माने या ना माने, लेकिन ये अभी तो दिखता है कि उनके सामने यूपी में गठबंधन और इस गठबंधन के पक्के चुनावी समीकरण बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। अपने 63वें बर्थडे के जरिए मायावती ने जीत का तोहफा भी मांग लिया, लेकिन उनके लिए भी इतना आसान नहीं है कि बर्थडे के केक की तरह यूपी में नरेंद्र मोदी के नाम की काट गठबंधन को बना सकें। जिलाओं में जो लठम लठा हो रहा, सूत का पास होगा 2019 में मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? नहीं, 272 का मैजिक नंबर सारे मिलकर के भी इकट्ठा कर पाएंगे इसमें भी संदेह। तो यानी जो चल रहा है वो सिर्फ जबानी जमा खर्च आपको लगता है? हाँ, लेकिन वो पहले से अपनी स्थिति को जरूर मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में नहीं काम करेंगे ये भी तय। अब चैलेंज दोनों तरफ से है, फिर चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर माया अखिलेश की जोड़ी, लेकिन इसी चैलेंज के चलते 2019 की लड़ाई और भी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है और 80 सीटों वाले इस रास्ते पर नरेंद्र मोदी के सामने मायावती और अखिलेश यादव मजबूती से खड़े हो चुके हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। वैसे पीएम पद की दावेदारी वाली बात से यही समझ में आ रहा है कि मायावती की पार्टी नए गठबंधन का जोश बढ़ाने के लिए ये बातें कर रही हैं, क्योंकि नया नया गठबंधन बना है जिसमें नेताओं ने तो दुश्मनी भुलाकर हाथ मिला लिया, लेकिन असली काम तो कार्यकर्ता करते हैं, उनके बीच भी केमिस्ट्री बननी चाहिए। ये तभी होगा जब इस तरह की दावेदारी से जोश बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का दौर भी शुरू हो चुका है। पीएम मोदी खुद उन राज्यों के चुनावी दौरे कर रहे हैं जहां बीजेपी और एनडीए की हालत कमजोर है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी पिछले 3 हफ्तों में तीसरी बार आज उड़ीसा के दौरे पर थे, जिसमें पीएम मोदी ने उड़ीसा में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें 115 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 15 किलोमीटर लंबी बलांगीर बिछुपाली रेलवे लाइन का उद्घाटन भी शामिल है, जो 289 किलोमीटर लंबी बलांगीर खुर्दा लाइन का हिस्सा आज पीएम मोदी ने इस लाइन पर नई ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने थिरुवली और सिंगापुर रोड स्टेशन के बीच करीब 27.5 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का उद्घाटन किया। नागावली नदी के ऊपर बनाया ये पुल जुलाई 2017 में आई बाढ़ में बर्बाद हो गया था। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का लोकार्पण किया, जिसको 100 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बौद्ध जिले के कई मंदिरों और बुलांगीर में कई स्मारकों के नवीनीकरण और जीर्णोद्धार कार्यक्रमों की नींव रखी। इसके अलावा पीएम मोदी ने सोनपुर में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली केंद्रीय विद्यालय की स्थायी इमारत की आधारशिला भी रखी। पिछले 3 हफ्तों में पीएम मोदी तीसरी बार उड़ीसा दौरे पर थे, जहां उन्होंने सरकारी कार्यक्रम के बाद एक जनसभा को संबोधित किया, केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्षी गठबंधनों पर निशाने साधे। पूर्वोदय से उदय के नारे को बुलंद करते हुए पीएम मोदी पिछले 3 हफ्तों में तीसरी बार ओडिशा पहुंचे और 1545 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाकर ओडिशा को मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ा तोहफा दिया। इस मौके पर बुलांगीर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कामकाज का बखान भी किया। भारत सरकार इतने कम समय में उड़ीसा में 20,000 करोड़ रुपए के काम
आप कल्पना कर सकते हैं, अकेले रेलवे में हमारे उड़ीसा को 20,000 करोड़ रुपए का काम, कौन उड़ीसा वासी इन बातों के लिए गर्व नहीं करेगा। ये पुरानी सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक है, 5 गुना। यानी जितना काम हमने किया अगर पुरानी सरकार को करना होता तो 25 साल और लग जाते। साथियों, केंद्र सरकार विकास की पंचधारा पर काम कर रही है। बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। अपनी सरकार की योजनाओं की हाइलाइट्स ओडिशा की जनता को दिखाने के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण का सुर बदला और विपक्षियों पर निशाने साधने शुरू किए। यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन पर पीएम मोदी ने इशारों इशारों में जोरदार हमला बोला और कहा कि मोदी को रास्ते से हटाने के लिए ये लोग एक हो गए हैं। आज देश में यही तो हो रहा है और इसलिए तो मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने लगे हैं। भगवान जगन्नाथ की धरती से कहना चाहता हूं, ये चौकीदार गरीबों की कमाई को लूटने वालों के सारे खेल बंद करा करके ही रुकने वाला है। जिस जिसने गरीबों को लूटा है उसे ये चौकीदार सजा दिला करके ही मानेगा। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधनों के इस दौर में पीएम मोदी इन दिनों अपने विपक्षियों पर कुछ ज्यादा ही तेज तीरों की बौछार कर रहे हैं। पीएम मोदी ओडिशा में थे तो राज्य की बीजेडी सरकार भी उनके निशाने पर थी। पीएम मोदी बात तो इशारों इशारों में कर रहे थे लेकिन तीर निशाने पर लग रहे थे। ओडिशा की सरकार को चाहिए कि आदिवासी हितों के लिए जो ये प्रावधान किया गया है उसका भरपूर लाभ लोगों को दिलाएं। चुनाव का इंतजार न करो, अरे लोगों की परेशानी की दूर करो, चुनाव तो आएंगे जाएंगे। मोदी की हर रैली में भाषण के दो भाग होते हैं, एक विपक्ष पर हमला और दूसरा अपनी सरकार का प्रचार। ओडिशा में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की कामयाबियों और विपक्ष की नाकामयाबियों का प्रचार करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी योजनाओं में बिचौलियों पर नकेल कसी जिससे उनके हिमायतियों की नींद उड़ गई है। 1 किलो गेहूं का 20-25 रुपया और उसे सिर्फ 2 रुपये में राशन की दुकान में गरीब को मिले इसकी व्यवस्था करती है। चावल भी केंद्र सरकार 30-32 रुपए में खरीदती है, 3 रुपये में ये गरीब के लिए पहुंचाता है, गरीब को मिले इसकी चिंता करता है। एक समूचा तंत्र ऐसा बना हुआ था जो फर्जी राशन कार्ड की मदद से अधिकांश अनाज उठवा लेता था। अब मोदी ने सब बंद कर दिया तो ये मोदी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? ये 90,000 करोड़ रुपए पहले जिस जिस की जेब में जाता था, जिससे वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते थे, बंगले खरीदते थे, हवाई जहाजों में उड़ते थे, अब ये बंद हो रहा है तो उनको मोदी पे गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। जिनकी तिजोरी में गरीबों से लूटा हुआ धन जाना बंद हुआ है वो मुझसे बदला लेने की फिराक में है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी और विपक्ष के बीच की लड़ाई और बढ़ती जा रही है। बुलंदगीर की रैली में पीएम मोदी के भाषण के अलावा
अगर लोगों के आकर्षण का केंद्र कुछ और था तो वो था पीएम के प्रोग्राम में सीएम नवीन पटनायक की गैर मौजूदगी, क्योंकि प्रोटोकॉल कहता है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में पीएम की आधिकारिक यात्रा में सीएम को मौजूद रहना होता है। आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी 24 दिसंबर को भुवनेश्वर और खुर्दा का दौरा करके 14,523 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और 5 जनवरी को बारीपदा के दौरे में 4,733 करोड़ रुपए के कार्यक्रमों का उद्घाटन कर चुके हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा और आम चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी के 3 हफ्ते में तीसरे उड़ीसा दौरे के कई सियासी मायने भी हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों पर नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने 20 और बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट हासिल की थी, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने 147 सीटों में से 117 सीट पर कब्जा जमाते हुए अपनी पकड़ कायम रखी थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 9 विधानसभा सीटें मिली थी। उड़ीसा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में पीएम मोदी वहां बीजेपी के पक्ष में लहर बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। जानकार कहते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पीएम मोदी की ताबड़तोड़ उड़ीसा यात्रा इसी की एक कोशिश है, जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि पीएम मोदी के दौरे के 2 दिन बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी उड़ीसा के दौरे पर जाएंगे, जहां वो 18 जनवरी को बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आज मकर संक्रांति पर प्रयागराज में पहला शाही स्नान हुआ। दुनिया का जो सबसे बड़ा मेला है कुंभ, उसका प्रारंभ हुआ। करीब 5:15 बजे शाही स्नान की शुरुआत अखाड़ों की डुबकी के साथ हुई। आम श्रद्धालुओं ने भी पवित्र संगम में डुबकी लगाई। प्रशासन के अनुसार शाम 7 बजे तक 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कड़ाके की सर्दी के बावजूद कुंभ के पहले शाही स्नान का महत्व इतना बड़ा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। शाही स्नान के दौरान साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पहली बार है जब स्नान करने आए लोगों पर इस तरह से पुष्प वर्षा हुई। इस दौरान पूरे धूमधाम से शोभा यात्रा निकालते हुए सभी 14 अखाड़ों ने शाही स्नान किया, जिसमें पहली बार किन्नर अखाड़ा शामिल हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी संगम में डुबकी लगाने पहुंची थी। सोमवार को महामंडलेश्वर बनी साध्वी निरंजन ज्योति ने भी निरंजनी अखाड़े की महिलाओं के साथ संगम में स्नान किया। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन भारत से जुड़ी हर खबर देखने के लिए YouTube पर आप भारत तक से जुड़ सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।